हेलो गाइज़ एक बार फिर से वेलकम कर रही हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रभा में तो बेटा क्लास ट्वेल्थ के बच्चों ने आज दिया है अपना लास्ट प्री बोर्ड एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट का हिंदी सब्जेक्ट का अब आप लोग देखेंगे इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन तो बेटा इससे पहले मैं पेपर को सॉल्व करना शुरू करूँ और आप लोग अपने आंसर्स को टैली करना शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बाकी सीबीएसई के रिगार्डिंग हर अपडेट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर सीबीएसई बी सैंपल पेपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड उसका सॉल्यूशन सभी कुछ मिलेगा आपको शिक्षा प्रवाह पर तो सबसे पहले आपको एक गाद्यांश दिया गया था उस पर से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसके आधार पर आपको उनके आंसर्स देने थे सबसे पहला क्वेश्चन है गाद्यांश के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से विकास में क्या सम्मिलित नहीं है तो बेटा क्वेश्चन पेपर साथ में रखना है पेन साथ में रखना है और टिक लगाना है राइट right आंसर पर तो क्या सम्मिलित नहीं है ऑप्शन डी मनोरंजन और क्यों क्योंकि मकान खाना और कपड़ा ये तीनों जरूरतें हैं आधार हैं जीवन का ठीक है तो मनोरंजन नहीं भी होगा तो भी चलेगा सेकेंड है गाद्यांश के अनुसार भारत लंबे समय तक किसके अधीन रहा तो अंग्रेजों के अधीन रहा अंग्रेजी शासन के अधीन रहा ऑप्शन बी थर्ड क्वेश्चन है अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए तो उनकी दैनीय स्थिति वो तो मौज कर रहे थे हमारे देश में देशवासियों के विरोध के कारण हाँ विरोध हुआ था ब्रिटेन से बुलावे के कारण ब्रिटिश कंपनी के पतन के कारण तो सबसे सटीक उत्तर है इसमें ऑप्शन बी देशवासियों के विरोध के कारण ठीक है है क्वेश्चन नंबर अंग्रेजी शासन में भारतीयों की दशा कैसी तो सभी सुखी जीवन व्यतीत करते थे तो नहीं सभी दयनीय जीवन व्यतीत करते थे नहीं कुछ लोग सुखपूर्वक जीते थे जबकि कुछ लोग बहुत कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे तो ये सही है और चौथा है कुछ लोग कष्टपूर्ण थे अधिकांश सुखपूर्ण नहीं अधिकांश लोग जो थे वो दुखी थे उनका जीवन कष्टों से भरा पड़ा था और कुछ लोगों का जीवन अपना बढ़िया चल रहा था तो ऑप्शन सी पांचवा है भारत में आ, हरित क्रांति कब आई तो ये आपके पैराग्राफ में इसका आंसर है साठ के दशक में कहां से देखोगे देखो इस पैराग्राफ में वैसे सारे ही आंसर है हर चीज तो यहां से क्या ही बताई जाए तो ये देखिए साठ के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई जिसने हमारे को बहुत ही बढ़िया खाद्यान्न दिया ठीक है अब है निम्नलिखित में से किसका संबंध युवा योजना से है तो राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम ये होगा इसका करेक्ट आंसर वैसे स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया भी है लेकिन भाई देखो आपका जो गाद्यांश है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट ही इसका आंसर होना चाहिए लेकिन अगर इसका आंसर उपयुक्त तो शब्द ही निकलता है ऑफिशियल आंसर की में तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सेवन है गाद्यांश का उचित शीर्षक है तो देश में देश के विकास में युवा भागीदारी ठीक है होता है सटीक बैठता है सरकारी योजनाएं नहीं हरित क्रांति नहीं भारत में ब्रिटिश शासन तो बिल्कुल भी नहीं तो सबसे सटीक जो शीर्षक इसके लिए बैठता है वो है का देश के विकास में युवा भागीदारी एथ सारा विश्व भारत की तरफ गर्व और अपेक्षा से क्यों देख रहा है भारत की विकास योजनाओं के कारण विशाल जनसंख्या के कारण तो विशाल जनसंख्या तो बिल्कुल भी नहीं जग कल्याण की भावना के कारण ठीक है तो हम जा रहे हैं ऑप्शन डी पर जो कि ज्यादा सटीक है का और यानी विकास योजनाएं भी यहाँ की बहुत ही ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर जो लोगों में ज, मतलब कल्याण की भावना है जैसे सत्यम शिवम सुंदरम ना इसके अंदर ऐसे सुधा, सत्य ही सुंदर है और वही चीज सुंदर है जो कल्याणकारी है मतलब जो कल्याणकारी है वो सुंदर भी होगी और सत्य भी होगी इस बात की गारंटी है तो मतलब कल्याण की भावना का और गा विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने का सपना कैसे पूर्ण हो सकता है बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर नए नए कार्यक्रम आयोजित करके या सामूहिक चेतना जगाकर या जोशपुर भाषण देकर तो हम जाएंगे सामूहिक चेतना जगाकर जब हम सभी लोग अवेयर होंगे पूरा विश्व अवेयर होगा पूरा देश अगर पूरा विश्व अवेयर होगा तो पूरा विश्व विकास करेगा और अगर देश होगा तो देश विकास करेगा समुदाय कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अवेयर होगा तो समुदाय होगा और अगर कोई व्यक्ति ही अपने आप में अवेयर होगा तो व्यक्ति मतलब ऐसे विकास करेगा तो दसवा है सामूहिक चेतना में अर्थ निहित है कौन सा सबका साथ सबका विकास एक साथ मिलकर कार्य की सफलता को सुनिश्चित करना या उपयुक्त तो दोनों तो भाई हम तो उपयुक्त तो दोनों पे जाएंगे दोनों बातें बढ़िया हैं सामूहिक चेतना में आती हैं प्रश्न नंबर दो नीचे दो अपठित काव्यांश दिए गए हैं उनको पढ़ना है और उत्तर देना है तो पढ़ तो आपने लिया ही होगा काव्यांश ए के आंसर हम लोग यहाँ पर देंगे तो कवि की ललकार किसके प्रति है तो कवि जो है किसको ललकार रहा है तो वो अपने भाग्य को अपनी नियति को ललकार रहा है प्रस्तुत काव्यांश का श्वर कैसा है तो कर्मवादी वो अपने कर्मों पर विकास विश्वास रख रहा है यहाँ पे जो कवि है कवि को अब किस पर विश्वास हो चला है तो उसको अपनी बाजुओं पर दंड बाजुओं पर विश्वास हो चला है कवि ने अपनी पहचान क्या बताई है परतंत्र और बंधन युक्त तो वो नहीं है परजीवी भी नहीं है मुक्त और बंधनहीन उस पर किसी का भी बंधन नहीं है और वो आजाद है पांचवा कवि को किसके कारण सत्य का आभास हुआ तो उसको ज्ञान मिला ठीक है उसको नॉलेज मिली और उसके कारण उसको सत्य का आभास हुआ खोल सीना बांध कर मुठ्ठी कड़ी में दिखाई पड़ती है क्या दिखाई पड़ती है कवि की पराजय नहीं कवि की दुर्बलता नहीं उसका ज्ञान बोध नहीं तो कवि का आत्मविश्वास यानी कि ऑप्शन डी कवि का कवि को अपने ऊपर विश्वास है इसलिए वो सीना तान के खड़ा हो गया है नियति के आगे कवि ने भ्रम और मिथ्या वचन किसको कहा है तो भ्रम नियति को कह रहा है वो यहाँ पे उसका भाग्य से ही द्वंद्व चल रहा है एर्थ है रक्तिम नेत्र के लिए कौन सा मुहावरा सटीक है आंखों में पानी आंखों में खून आंखों में पानी मरना प्यास बुझना तो आंखों में खून उतरना ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है इसके बाद आप लोगों से काव्यांश टू दिया गया है पढ़ लिया होगा आपने आप तो कर ही आए हो इसको तो किसकी सुंदरता अक्षत है तो अक्षय 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 मतलब कभी ना खत्म होने वाली तो फूल की सुंदरता जो है वो आक्षे है और वो कभी भी खत्म नहीं होती अपनी गंध और मकरंद बिखेरने में कौन संलग्न है तो फूल ही है कली को भोली क्यों कहा गया है कली फूल से बड़ी थी नहीं कली को परोपकार के महत्व का पता नहीं था ये सबसे सटीक आंसर है ठीक है ऑप्शन बी ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है घटती नहीं इस पंक्ति में कौन सा भाव छुपा हुआ है स्वार्थ का नहीं निराशा का भी नहीं वाचलता का भी नहीं परोपकार का भाव है इसमें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है पांच काव्यांश के अनुसार जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए स्वयं के लिए जीना नहीं फूलों के लिए जीना तो बिल्कुल भी नहीं औरों के लिए जीना और व्यापार के लिए जीना औरों के लिए जीना यानी कि ऑप्शन सी मतलब जो काव्यांश है उसके अंदर कहा गया है जीवन का वास्तविक लक्ष्य है औरों के लिए जीना जैसा कि फूल जी रहा था सिद्धांत की सीमाओं में किसे नहीं बाँटा जा सकता मृत्यु को व्यापार को जीवन को या खुशबू को तो जीवन को नहीं बांटा जा सकता सिद्धांत की सीमाओं में कौन कह रहा है ऐसा फूल कह रहा है निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए तो कथन ए है चार दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए बात तो तब है जब मर जाए औरों के लिए फूल कहता है ऐसा हमारा जीवन क्षण भंगुर है इसे स्वार्थ में व्यतीत ना कर दूसरों की भलाई में व्यतीत करना चाहिए और ऐसा जीवन ही सार्थक जीवन होता है तो ए सही है और आर उसकी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर रहा है तो ये है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है नेक्स्ट है काव्यांश के अनुसार जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए क्या करते रहना चाहिए तो त्याग और बलिदान करते रहना चाहिए इससे हमारे जीवन में आनंद और सुख दोनों रहेंगे प्रश्न नंबर तीन है आपका उल्टा पिरामिड शैली के अनुसार समाचार के विभिन्न अंगों का उचित मिलान करना है तो क्या कौन कहा कब ठीक है उल्टा पिरामिड में समाचार का सबसे पहले आता है इंट्रो फिर होता है बॉडी बॉडी यानी कि उसकी जो आ, मतलब एंड थर्ड समापन एंड तो इंट्रो में तो आ जाएगा सारी चीज क्या कौन कहाँ कब ठीक है तो फर्स्ट का सेकंड बॉडी में आ जाएगा क्यों और कैसे और समापन में हो जाएगा कोई कंकार नहीं तो इसका आंसर होगा इसी के अकॉर्डिंग मिला लो भाई फर्स्ट का सेकंड सेकेंड का फर्स्ट एंड थर्ड का थर्ड तो हम जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड है भारत में इंटरनेट पत्रिका का दूसरा दौर कब शुरू हुआ तो ये दो हजार तीन में शुरू हुआ तो सबको आता है आपको नेक्स्ट है इंटरनेट पत्रिका की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या है इसमें दृश्य और प्रिंट दोनों माध्यमों में लाभ मिलता है हो सकता है इसमें दृश्य और प्रिंट तीव्र गति से पहुंचते हैं ये तो बिल्कुल सही है, लग रहा है इसमें खबरों की पुष्टि विलंब से होती है गलत खबरों की पुष्टि संप्रेषण में सत्यापन होता है सत्यापन का कोई नहीं है इंटरनेट पर कुछ भी डाल देते हैं तो देखिए मुझे लगता है बीस का सही आंसर होना चाहिए ठीक है लेकिन फिर भी एक बार ऑफिशियल की जैसे ही छः बजे आएगी आप लोग उसके अंदर इसका आंसर जरूर टैली कर लें क्वेश्चन नंबर फोर है समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर ऐसी रिपोर्ट को जनता के सामने लाना जो सबसे जो पहले सबके समक्ष आई हो क्या कहलाती है तो मुझे लगता है कि विश्लेषणात्मक रिपोर्ट इसका सही आंसर होना चाहिए ठीक है और बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना पांचवा है पत्रकारिता की साख बनाने के लिए किस सिद्धांत के पालन की आवश्यकता नहीं होती तो तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए भाई वस्तुपरकता होनी चाहिए निष्पक्षता होनी चाहिए काटो छांटो मत तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए काव्यांश पढ़ना है आपकी बुक से दिया गया है अरुण यह मधुमेह देश हमारा आंसर देना है गीत की गायिका कौन है तो कार्नेलिया इस गीत को गा रही है रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद नाच रही तरुण सिखा मनोहर में अलंकार है मानवीकरण पक्षी भी भारतवर्ष को क्या समझते हैं अपना घर कार्नेलिया भारत की किस विशेषता को उजागर कर रही है तो भारत का जो प्राकृतिक वातावरण है बहुत सुंदर है सब लोगों को यहाँ आश्रय मिलता है और यहाँ के लोगों में करुणा का भाव है तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कवि ने भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया है ठीक है कविता में भारत का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाया गया है कविता में विदेशियों की महानता का गुणगान किया गया नहीं बिल्कुल भी नहीं पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन बी गाद्यांश को पढ़ना है और फिर इसके आंसर्स देने हैं उपयुक्त गाद्यांश किस पार्ट से लिया गया है तो जहां कोई वापसी नहीं ऑप्शन सी यह किस कारण शरणार्थी बने हैं तो औद्योगिकरण ने परेशान कर रखा है तीसरा बाढ़ भूकंप के कारण बाहर जाने वाले लोगों की दशा क्या होती है तो वो कभी लौट कर नहीं आते ठीक है पर अपने पुराने परिवेश में बचता ही नहीं है परिवेश तो कैसे? सदा के लिए निर्वासित हो जाते है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, है उन्मूलित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो लित, लित है लास्ट में तो आएगा इत ऑप्शन गाद्यांश हमें संदेश देता है कि हमें औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए सही है परिवेश और संस्कृति की अनदेखी चिंताजनक हो सकती है बिल्कुल सही सही है 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 भाई दोनों बात को ये सही कह रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका इसके बाद छठा प्रश्न निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए तो तथा कथित विकास ने विस्थापन की समस्या को जन्म दिया है ठीक बात है विकास के साथ परिवेश संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया ठीक है दोनों ही सही हैं ठीक है तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए यानी कि का ही ऐसा लग रहा है व्याख्या तो पता नहीं कैसी हो रखी है पर चलिए ठीक है ऑप्शन ए इसका सही आंसर लगता है और बाकी ऑफिशियल आंसर की में देख लीजिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप लोगों से फिर से विकल्प देने दे रखे हैं और आंसर बताने गांव में लू से बचने के लिए क्या किया जाता है कच्चे आम का पन्ना पिया जाता है ठीक है कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांधते हैं दोनों तो चीज सही लग रही हैं तो ऑप्शन सी अपना मालवा के आधार पर बताइए कि हमारे परिवेश को सबसे अधिक नुकसान किसके कारण पहुंचा है तो औद्योगिकरण के कारण पूरा मालवा परेशान है किसके कारण विकास के कारण विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर बताइए नीम के फूल किस काम आते थे तो किस काम आते थे आंख आ जाना होता है ना तो आंख में लगाने के लिए आंख आ जाती है तो उसको ठीक किया जाता है विस्कोहर की माटी में नीम के फूल का यही काम बताया गया फोर्थ है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तो सूरदास भिकारी थे हाँ वही सूरदास अंधे भिकारी थे पाठ के आधार पर और सुभागी जो थी भैरों की पत्नी थी तो पहला और तीसरा सही है ऑप्शन सी इसके बाद नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है विकल्प दिया है नई दुनिया की लाइब्रेरी में मिली कतरनों से पता चलता है कि अब मालवा की धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है ठीक है अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था अब यहां डग डग, डग रोटी और पग पर नीर नहीं है तो दोनों ही कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं ऑप्शन का बेटा आपके खंडवा से वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो गए हैं तो वर्णात्मक प्रश्न के आंसर आप लोग अपनी ऑफिशियल आंसर की में देख लीजिएगा ऑफिशियल आंसर की आपको मिलेगी शिक्षा प्रभाव पर 6 बजे आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा तो मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल थी आप लोगों के लिए तो मेरी वीडियो को लाइक like तो आप करोगे मुझे पता है उसके साथ ही साथ इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल फ्रेंड्स के साथ और बेटा प्लीज़ 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 प्लीज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़